हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, लखनऊ. जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है और खासकर बीएड सेकंड सेमेस्टर 2019 का है, और ये फोर्थ पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन. तो ये जो 3 घंटे का ये जो पेपर होगा ये 80 मार्क्स का होता है, और टोटल ये जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 मार्क्स इसमें जो है आपके प्रैक्टिकम के होते हैं. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें ये उसमें बटा हुआ है. पहला है कंपलसरी क्वेश्चन और दूसरा है यूनिट वाइज. तो जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है. जैसे ऊपर लिखा है, आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. बिसाइड्स दिस 1 क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम ईच यूनिट. अर्थात जो आगे की जो यूनिट दी हुई है, 4 यूनिट दी हुई हैं, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है. और यहाँ पर जो यूनिट होंगे उसमें 2 दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन रहेगा कि आप उन दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, लेकिन इन शॉर्ट क्वेश्चंस को इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है. इसको इसीलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब जो 8 क्वेश्चन दिए हैं उसमें कोई इफ बट वाला कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये आपको करने ही हैं. तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 4 मार्क्स का है. और आप यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए. तो यहाँ जो सबसे पहला है आपके सामने, व्हाट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन क्या होता है, इसका आंसर देंगे. मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं 10 साल से बीएड डिपार्टमेंट में हूँ, तो खासकर जो बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो जो है आपको ध्यान रखना होगा. उनको क्या करना है, वो 1 पेज का रखना है, मतलब 1 साइड, एक जो है पन्ना जो होगा उसका 1 साइड को ज्यादातर प्रयास करें. जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 1 साइड में ही रखने का प्रयास करें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको आपको 4 पेजेस में करने का काम करें. हमने बताया भी कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन विद्यालय संगठन क्या होता है. ठीक है, अब उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट होगा, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए. उसी प्रकार तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर डिजाइन्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के अभिकल्प कौन कौन से हैं. तो यहाँ पर वैसे तो मैं अभी आपको बाद में कभी एक्सप्लेन भी करूंगा इसको डिटेल में, अभी सिर्फ सिर्फ मेरा मोटिव है कि आप सबको क्वेश्चन पेपर दिए जाए. उसके बाद जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम, अर्थात बालक मित्रवत विद्यालय प्रणाली क्या है, इसके क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं. उसके बाद फिर आता है यहाँ पर एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की संरचना स्पष्ट कीजिए. तो ये क्या है, ये उसके बाद का अर्थात पांचवा जो है शॉर्ट क्वेश्चन होगा. जो छठा है यहाँ पर, राइट रोल ऑफ हेडमास्टर एज एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका लिखिए, तो ये क्वेश्चन होगा. उसके बाद सातवां है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, तो ये क्या है प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा. उसके बाद जो लास्ट होगा और आठवां जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट का, वो क्या है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज, शारीरिक अभ्यास के महत्व को स्पष्ट कीजिए. शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपके सामने अब स्क्रीन पर दिख रहा है यूनिट 1 इकाई 1, अर्थात ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपको, और यहां पर ये टोटल 12 मार्क्स का होगा. तो यहाँ पर जैसे यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन 2 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. तो यहाँ पर लिखा है, व्हाट आर द स्कूल मैनेजमेंट फंक्शन एंड राइट इट्स यूज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक, विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्या क्या हैं तथा इसके प्रभावी प्रबंधन का उपयोग लिखिए. उसी प्रकार तीसरा है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस इन इम्प्रूविंग क्वालिटी स्कूल मैनेजमेंट, हाउ कैन वी यूज स्वॉट एनालिसिस इन स्कूल्स, तो या उसको जो आंसर क्वेश्चन दिया है, विद्यालय प्रबंधन की प्रभावी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वॉट विश्लेषण क्या है, हम विद्यालयों में स्वॉट विश्लेषण को कैसे प्रयोग कर सकते हैं. तो ये 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन
अटेम्प्ट करना है, और ये ध्यान रखें इसको 4 पेजेस में अर्थात दो पन्ने में, 4 से 5 पेजेस में ही इसको बाइंड अप कर देना है। अब आता है यूनिट सेकंड कि राइट मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम टेबल्स, विभिन्न प्रकार की समय सारणियों के गुण तथा अवगुण लिखिए। ये भी 12 मार्क्स का आपके सामने है। दूसरा इसका एक ऑप्शन में है, व्हाई रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर स्कूल्स, एक्सप्लेन विच रिसोर्सेज, हाउ कैन वी यूज इट इन क्लासरूम मैनेजमेंट। इसी का जो हिंदी में रूपांतरण है वह है, विद्यालय के लिए संसाधनों की क्यों आवश्यकता है, प्रत्येक संसाधन को स्पष्ट कीजिए, कक्षा प्रबंधन में इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो जो यूनिट सेकंड में भी 2 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार यूनिट थर्ड ले लीजिए, यूनिट थर्ड भी वही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट रिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, आधिकारिक तथा लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के मध्य क्या अंतर है, आधिकारिक तथा लोकतांत्रिक प्रशासन के गुण एवं दोषों को लिखिए। तो कहने का मतलब है ये पहला क्वेश्चन है यूनिट थर्ड में। उसी प्रकार दूसरा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन की संरचना का वर्णन कीजिए। अर्थात ये यूनिट थर्ड में जो 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार यूनिट 4 है आपके सामने, तो यहाँ पर भी है, राइट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, हाउ डू स्कूल मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, तो ये भी 12 मार्क का है। इसी प्रकार इसका जो हिंदी रूपांतरण है वह है, विद्यालय स्वास्थ्य कर्म करको का अर्थ व उद्देश्य लिखिए, विद्यालय स्वास्थ्य रिगार्ड रख रखाव कैसे रखते हैं करते हैं, तो ये क्वेश्चन होगा, ये कर सकते हैं। या इसका दूसरा ऑप्शन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस, हाउ कैन वी मेक स्कूल स्टूडेंट अवेयर फॉर कंटेजियस डिजीजेस, अर्थात संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के मध्य अंतर दीजिए, विभागीय छात्र छात्राओं को संक्रामक रोगों के बारे में किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं। तो आपने देखा यूनिट 4 में भी क्या है, 2 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब टोटल आपके 80 मार्क्स के पेपर है ये। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और जो लॉन्ग होगा वो 12 मार्क्स का होगा। और ये भी ध्यान रखें, टाइम का मैनेजमेंट भी रखें कि आप कम से कम 25 से 30 मिनट के लॉन्ग क्वेश्चन को समय दीजिए, और 8 से 10 मिनट का समय आप अपने सुविधानुसार शॉर्ट को दे सकते हैं। अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम देने में और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आगे भी आपको सारे पेपर्स के जो है क्वेश्चन पेपर देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।